A very good morning to all of you. In this class, I am going to start with the another important topic of chapter, molecular basis of inheritance, and the topic is transcription, in which the formation of mRNA from DNA takes place. So, start करते हैं transcription process से. Transcription. What is transcription process? According to central dogma hypothesis के according which was given by Francis Crick ने क्या बताया था कि process transcription in transcription process there is a DNA or double helical structure of DNA and mRNA का formation होगा from the double standard DNA से single standard mRNA formation carried out और इस केस में थ्री प्रोसेस होंगे दैट इज थ्री स्टेप में ये प्रोसेस कंप्लीट होगी दैट इज सबसे पहले इनिशिएशन सेकेंड इज इलोंगेशन एंड थर्ड इज टर्मिनेशन थर्ड इज टर्मिनेशन सो इनिशिएशन इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन और वॉट इज डिफरेंस इन बिटवीन प्रो कैरियोट एंड यू कैरियोट सबसे पहले प्रो कैरियोट में क्या होगा जो इसके बाद टर्मिनेशन प्रोसेस के बाद जो अनदर स्टेप है इज स्प्लाइसिंग स्प्लाइसिंग प्रोसेस विच इज द प्रोसेसिंग ऑफ एम आर एन ए को मैच्योर एम आर एन ए में कन्वर्ट किया जाता है और ये जो स्प्लाइसिंग प्रोसेस है सिर्फ यूकैरियोट में होगा यूकैरियोट्स और ये एब्सेंट होंगे इन प्रोकैरियोट्स दे आर प्रोकैरियोट्स प्रोकैरियोट्स में ये टोटली एब्सेंट होंगे और यहाँ पे स्प्लाइसिंग और स्प्लाइसिंग में कन्वर्ट कर जो यूकैरियोट में ऑर्गेनिज्म है इसमें स्प्लाइसिंग में mRNA को कन्वर्ट किया जाएगा इन मैच्योर mRNA और ये प्रोसेस यहाँ पे क्या होगा कैपिंग एंड टेलिंग कैपिंग एंड टेलिंग कैपिंग एंड टेलिंग नाउ इन प्रोकैरियोट्स देयर यहाँ पे जो मैच्योर mRNA का फॉर्मेशन होगा इन दिस केस There is no splicing process takes place in the formation of mature mRNA. इस केस में जो prokaryotes हैं because they are polycystronic genes. So यहाँ पे polycystronic gene के वजह से और polycystronic mRNA की वजह से that means कि एक जीन से कई protein participate कर यहाँ पे एक जीन participate करेंगे in the formation of more than one protein. और बट इन दिस केस यू कैरियोट देर इज मोनोसिस्ट्रॉनिक जीन के होने की वजह से सो एक जो जीन है वन जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ ओनली वन प्रोटीन एक जीन से एक प्रोटीन सिंथेसाइज होंगे दीज आर पॉलीसिस्ट्रॉनिक पॉलीसिस्ट्रॉनिक जीन सो वन जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ मोर देन वन प्रोटीन मोर देन वन प्रोटीन मोर तो इस वजह से यहाँ पे प्रोकैरियोट्स है स्मॉल जीनोम है और यहाँ पे यूकैरियोट्स में लार्ज जीनोम है सो सेपरेट वन जीन सिर्फ वन प्रोटीन के रिस्पॉन्सिबल होंगे इन बट इन प्रो इन केस ऑफ प्रोकैरियोट देर इज क्योंकि स्मॉल जीनोम होने की वजह से एक जीन मोर देन वन प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं तो एमआरएनए पे जो क्या होगा कोड्स आएंगे डीएनए से कोड जस्ट उतार लिया जाएगा इन एमआरएनए पे देन एमआरएनए को भेज दिया जाएगा इन न्यूक्लियस पार्ट और फाइनली यहाँ पे न्यूक्लियस पार्ट में
न्यूक्लियस पार्ट से इसे भेज दिया जाएगा, सॉरी न्यूक्लियस पार्ट से इसे भेज दिया जाएगा ये साइटोसोल, और साइटोसोल में ट्रांसलेशन प्रोसेस होगा जहाँ पे इस कोड को रीड पर्टिकुलर रीड कर करके एक अमाइनो एसिड को, एक एक अमाइनो एसिड को ऐड किया जाएगा और फाइनली प्रोटीन सिंथेसाइज कर लिया जाएगा इन द ट्रांसलेशन प्रोसेस। बट इन ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस हमें सिर्फ डीएनए से एमआरएनए का फॉर्मेशन करना है, दैट इज यहाँ से कोड उतार लेने हैं इन एमआरएनए पे। सो इन ये प्रोसेस थ्री स्टेप्स में होगा, और ये कैसे प्रोसेस होगा स्टार्ट करते हैं विद द इनिशिएशन। नाउ फर्स्ट इज इनिशिएशन। इन द प्रोसेस ऑफ इनिशिएशन देयर इज ए, अगर इफ हम कंपैरिजन करें एमआरएनए को विद डीएनए, सो इन डीएनए रिप्लिकेशन देयर इज आल्सो थ्री स्टेप प्रोसेस इन व्हिच सेम प्रोसेस टेक्स प्लेस, इनिशिएशन, एलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। In the process of initiation, there is a polymerase enzyme, and वो enzyme कौन सा था? In the case of DNA formation के case में DNA polymerase use हो रहा था, और full name of DNA polymerase था DNA dependent DNA polymerase, DNA dependent DNA polymerase. But in case of formation of mRNA, there is RNA polymerase or RNA polymerase second. In this case, RNA polymerase second use होगा, but the RNA polymerase is considered as DNA dependent RNA polymerase, not DNA polymerase, because synthesis कैसे हो रही है DNA, यहाँ पे in such case DNA ही as a template strand था और synthesize किया जा रहा था, DNA को polymerize किया जा रहा था, that means एक एक DNA को add किया जा, एक एक nucleotide को add कर जा रहा था, that means कि for example here is DNA double helical structure, जब यहाँ से दो स्ट्रैंड का फॉर्मेशन होगा तो यहाँ इनके बीच में डबल बॉन्ड है और ब्रेक किया जा रहा है, ब्रेक करने के बाद एक एज ए टेम्पलेट वन स्ट्रैंड यहाँ पे एज ए टेम्पलेट स्ट्रैंड किया जाएगा और यहाँ पे एक एक न्यूक्लियोटाइड को ऐड किया जाएगा ये फॉर एग्जांपल इस तरीके से, और फाइनली एक डीएनए मॉलिक्यूल की सिंथेसिस होगी बाय डीएनए पॉलीमर्स। तो एक एज किस डीएनए पर डिपेंड है, दैट मीन्स जो टेम्पलेट है इसे रीड करके फिर उसके अकॉर्डिंग एक एक डीएनए को जोड़ा जा रहा है, तो डीएनए पॉलीमरेज पॉलीमराइजेशन हो रहा है विद द हेल्प ऑफ डीएनए पॉलीमरेज। इन सच केस व्हाई द नेम ऑफ आरएनए डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, बिकॉज डीएनए पर डिपेंड है, पर डीएनए एज ए टेम्पलेट लिया जा रहा है फिर उसके अकॉर्डिंग आरएनए या न्यूक्लियोसाइड्स को एक्ट किया जा रहा है, तो इसलिए आरएनए की सिंथेसिस की जा रही है, तो इस केस में डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज यूज होगा। बट सेकंड, सो एंजाइम इज आरएनए पॉलीमरेज सेकंड इन द फॉर्मेशन ऑफ mRNA, इनका ही ये यूज करेंगे। बट इन द केस ऑफ देर आर थ्री टाइप ऑफ RNA, दैट इज mRNA, tRNA एंड rRNA। इन द सिंथेसिस ऑफ RNA फर्स्ट और rRNA एंजाइम शुड बी यूज इज RNA पॉलीमरेज फर्स्ट और RNA polymerase third is used in the synthesis of tRNA. So different type के RNA के synthesis करने के लिए different type के tRNA different type के polymerase use होते हैं, but in such case हमें mRNA की synthesis करनी है transcription process में, so start करते हैं initiation process से। enzyme जो use होगा RNA polymerase second, and there is a two initiation factor, one initiation factor and one termination factor is involved in such case. So यहाँ पे जो enzymes होंगे RNA polymerase, तो ये एक core enzyme होगा RNA polymerase,
और इसके साथ में सिग्मा फैक्टर अटैच होंगे विच हेल्प इन द यहाँ पे जो हेल्प करेंगे इन द सर्च ऑफ प्रमोटर प्रमोटर के सर्च में के लिए हेल्प करेंगे। जैसे ही इन्हें डीएनए पर और डीएनए मॉलिक्यूल पर प्रमोटर साइट मिल जाएगी वहाँ पे ये अटैच करेंगे आरएनए पॉलीमरेज और धीरे धीरे ये डिफरेंट आरएनए आरएनए या न्यूक्लियोसाइट्स को जोड़ना स्टार्ट कर देंगे और इस तरीके से एमआरएनए का सिंथेसिस हो जाएगी। इन सच केस सबसे पहले यहाँ पे डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। नाउ यहाँ पे कौन कौन से जनरली सेगमेंट्स होंगे देयर इज अ प्रमोटर स्ट्रक्चरल जीन एंड टर्मिनेटर थ्री सेगमेंट्स होंगे हियर इज डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। नाउ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर पे हियर इज प्रमोटर देन स्ट्रक्चरल जीन स्ट्रक्चरल जीन्स और देन टर्मिनेटर। ना यहाँ पे प्रमोटर पे जैसे ही कोई भी डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है यहाँ से आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड से इनिशिएशन फैक्टर बाइंड किए रहते हैं। ये इनिशिएशन फैक्टर क्या है रोप इज ए रोप प्रोटीन। अब रोप प्रोटीन जब तक बाइंड किए रहेंगे जब तक उन्हें प्रमोटर साइट नहीं मिल जाती है तो ये सर्च करने में हेल्प करेंगे और सर्च करने में हेल्प करेंगे प्रमोटर को ऑन द डीएनए सेगमेंट। अब जैसे ही प्रमोटर मिल जाएगा दे बाइंड विद द प्रमोटर एंड स्टार्ट द सिंथेसिस ऑफ आरएनए सेगमेंट आरएनए मॉलिक्यूल की सिंथेसिस स्टार्ट कर देंगे। अब यहाँ पे जो आरएनए है ये आरएनए पॉलीमरेज हियर इज सेकंड आरएनए पॉलीमरेज सेकंड नाउ हियर इज आरएनए पॉलीमरेज सेकंड बाइंड विद सिग्मा फैक्टर हियर इज सिग्मा फैक्टर help in search of promoter on DNA. DNA double helical structure पे promoter की search के लिए सिग्मा फैक्टर बाइंड करते हैं जो कोर प्रोटीन है और कोर एंजाइम है आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड। जैसे ही इन्हें प्रमोटर जब ये रोटेट होंगे या मूव करेंगे अलॉन्ग डीएनए मॉलिक्यूल और जैसे ही इन्हें प्रमोटर मिल जाएगा वैसे ही क्या होगा कि सिग्मा फैक्टर डिसोसिएट हो जाएंगे फ्रॉम द कोर एंजाइम से डिसोसिएट होने के बाद जो कोर एंजाइम है आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड bind with the DNA molecule. In the initiation process here is DNA double helical structure. Now जैसे ही यहाँ पे promoter site मिल जाएगी यहाँ पे सिग्मा फैक्टर डिसोसिएट फ्रॉम आरएनए कोर एंजाइम और यहाँ पे हियर इज आरएनए पॉलीमरेज सेकंड और ये मूव करेंगे अलोंग द डीएनए विच है पोलैरिटी इन 3 to 5 प्राइम इन डायरेक्शन। सो देयर इज अ टू स्ट्रैंड which have polarity in the direction of 5 to 3 prime in direction or 3 to 5 prime in direction.
तो आरएनए पॉलीमरेज ऐसे स्ट्रैंड पे बाइंड करेंगे जिसकी डायरेक्शन 3' से 5' की डायरेक्शन में हो, सो द कंटिन्यूअस सिंथेसिस हो सके. कंटिन्यूअस सिंथेसिस के लिए ये दे आरएनए पॉलीमरेज ऑलवेज बाइंड विद द स्ट्रैंड विच हैज पोलैरिटी इन द 5' टू 3' 3' टू 5' इन डायरेक्शन. और ये वहाँ नहीं, जिस स्ट्रैंड की डायरेक्शन 5 टू 3' होंगे उस स्ट्रैंड पे आरएनए पॉलीमरेज नहीं बाइंड करेंगे. बिकॉज इन दैट केस, फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने डीएनए का जब डीएनए सिंथेसिस डिस्कस किया था, जिस स्ट्रैंड की सिंथेसिस 5 टू 3' इन डायरेक्शन थी, वहाँ पे ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स का फॉर्मेशन हो रहा था. दैट मीन्स कि फ्रेगमेंट्स का फॉर्मेशन होता है, ब्रेक होके सिंथेसिस हो रही थी. लेकिन इस केस में भी क्या होगा, ब्रेकिंग होगी. तो उस ब्रेकिंग को अवॉइड करने के लिए, क्योंकि डीएनए सिंथेसिस में वहाँ पे कोई अदर ऑप्शन नहीं था, क्योंकि बोथ दोनों ही स्ट्रैंड की सिंथेसिस करनी थी. लेकिन इन सच केस देर इज एन ऑप्शन, बिकॉज क्योंकि सिर्फ एक ही स्ट्रैंड से दूसरे स्ट्रैंड की सिंथेसिस नहीं करनी है, दूसरा स्ट्रैंड तो कॉम्प्लीमेंट्री होगा यहाँ पे सेकेंड स्ट्रैंड के लिए. और यहाँ पे प्रोटीन की सिंथेसिस करनी है, सो दैट द यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ से क्रोमोसोम एक्चुअली में जो डीएनए मॉलिक्यूल है और जेनेटिक कोड है ऑलरेडी डीएनए पे प्रेजेंट है. तो यहाँ पे क्यों ऐसा किया जा रहा है जब डीएनए पे प्रेजेंट है, क्योंकि डीएनए की डीएनए ऑलवेज प्रेजेंट रहेंगे इनसाइड द न्यूक्लियस. और यहाँ पे प्रॉपर्टी होती है कि आरएनए ट्रेवल कर सकते हैं इन साइटोप्लाज्म, और वहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन प्रोसेस हो सकता है. ट्रांसक्रिप्शन के बाद ट्रांसलेशन प्रोसेस हो सकता है. इन सच केस, सो द ओनली वन स्ट्रैंड टेक पार्ट इन द सिंथेसिस ऑफ एमआरएनए, जहाँ जिसकी पोलैरिटी होगी 5' टू 3', सो द कंटिन्यूअस सिंथेसिस इन द डायरेक्शन ऑफ एमआरएनए इन द डायरेक्शन ऑफ 5' टू 3' इन डायरेक्शन. सो जैसे डीएनए की सिंथेसिस हो रही थी 5 टू 3' इन डायरेक्शन में, वैसे सिमिलरली एमआरएनए भी सिंथेसाइज होंगे इन 5 टू 3' में डायरेक्शन में, सो दैट ओनली वन स्ट्रैंड टेक पार्ट इन द सिंथेसिस ऑफ एमआरएनए. तो यहाँ पे जिस स्ट्रैंड की सिंथेसिस हो रही है या जिस स्ट्रैंड को कोड किया जा रहा है और एमआरएनए का फॉर्मेशन होगा, तो दे आर कंसिडर्ड एज टेम्पलेट स्ट्रैंड. कोडिंग स्ट्रैंड में क्या होगा, यहाँ पे वन स्ट्रैंड इज एक्ट एज कोडिंग स्ट्रैंड, बिकॉज यहाँ पे क्योंकि इस यहाँ पे कोडॉन कैसे होंगे, सिमिलर टू द आरएनए मॉलिक्यूल, जो एमआरएनए की सिंथेसिस होगी उसके सिमिलर होंगे. सो इसलिए एज ए इस टेम्पलेट स्ट्रैंड को एज ए कोडिंग स्ट्रैंड, और टेम्पलेट जो है जहाँ पे एमआरएनए की जिससे एमआरएनए की सिंथेसिस हो रही है, वहाँ उस स्ट्रैंड को एज ए टेम्पलेट स्ट्रैंड दिया जा रहा है ना. जब मूव करेंगे और एक एक न्यूक्लियोसाइड्स को ऐड यहाँ पे किया जाएगा इन 5' टू 3' इन डायरेक्शन, तो यहाँ पे इलोंगेशन, देर इज ए इलोंगेशन ऑफ दी चैन. इन द इलोंगेशन प्रोसेस में क्या होगा, एक एक इनिशिएशन के बाद जैसे ही रो सिग्मा फैक्टर अलग हो जाएंगे यहां से, सिग्मा फैक्टर जैसे ही अलग हो जाएंगे यहां से, तब क्या होगा, सिग्मा फैक्टर डिसोसिएट होंगे, वैसे ही यहाँ पे इलोंगेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा. इन द इलोंगेशन प्रोसेस एक्चुअली में द आरएनए पॉलीमरेज मूव इन द डायरेक्शन ऑफ आरएनए पॉलीमरेज सेकंड मूव इन द डायरेक्शन ऑफ 5' टू 3' और जो सिंथेसिस करोगी सेम डायरेक्शन में होगी सिंथेसिस, और एमआरएनए सिंथेसाइज इन द सेम डायरेक्शन, दैट इज 5' टू 3'. और फाइनली व्हेन एक्चुअली में एक एक न्यूक्लियोसाइड्स को ऐड किया जाएगा इन द 5' टू 3' इन डायरेक्शन. सो स्टार्ट देन टर्मिनेशन प्रोसेस, व्हेन
RNA polymerase second reach in the last or reach क्या करेंगे जो when RNA polymerase जब यहाँ पे जब RNA polymerase end पे पहुँच जाएंगे और terminator point पे at the terminator point then the termination of these mRNA take place. But इससे पहले भी क्या होगा, पहले mRNA जब यहाँ पे along move करने लग जाएंगे RNA polymerase in the direction of 5 prime to 3 prime direction along the DNA poly. For example, यहाँ पे reach कर गए हैं और ये RNA synthesize हो रहा है इस तरीके से. So next diagram से discuss कर लेते हैं, समझ लेते हैं. जब elongation, now in elongation process, the DNA dependent RNA polymerase move or reaches to the टर्मिनेटर पॉइंट और टर्मिनेटर पे ये जब पहुंच जाएंगे तब क्या होगा. और इससे पहले ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट की कैपिंग होगी बिकॉज हियर इज ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट ट्राइफॉस्फेट से कैपिंग होगी. कैपिंग नाउ इन सच केस अब जब एंड पर पहुंच जाएंगे तब यहाँ पे पॉलीएडीनाइलेशन होगा. पॉलीएडीनाइलेशन दैट मींस कि एडिनिन अप्रोक्सीमेटली 200 एडिनिन जोड़ दिया जाएगा, एडिनोसिन जोड़ा जाएगा जिससे कि यहाँ पे सिक्योर किया जाएगा कि यहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं हो बिकॉज बोथ द एंड आर क्या होंगे कि यहाँ पे बोथ एंड है हाईली रिएक्टिव है. हियर इज 5 प्राइम एंड हियर इज 3 प्राइम और डायरेक्शन इज ऑलवेज टेक प्लेस इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम. तो स्ट्रक्चर के बेस पे समझ लेते हैं कि यहाँ पे एक्चुअली में टेलिंग और कैपिंग क्यों की जाती है. जहाँ पे पॉली टेलिंग में पॉली एडिनाइलेशन पॉलीएडीनाइलेशन होता है दैट मींस कि एक आरएनए मॉलिक्यूल को लेस रिएक्टिव बनाया जाता है क्योंकि 5 प्राइम एंड और 3 प्राइम एंड अगर ओपन रहेंगे तो ये दोनों आपस में ही रिएक्ट कर लेंगे क्योंकि दोनों ही अलग है और 5 प्राइम टू 3 प्राइम इन डायरेक्शन में सिंथेसिस होती है. तो ये आपस में रिएक्ट ना करने पाए क्योंकि बोथ द एंड हाईली रिएक्टिव है. यहाँ पे इनके स्ट्रक्चर पे है बिकॉज इन डीएनए मॉलिक्यूल जब डीएनए की सिंथेसिस होती है वहाँ पे कैपिंग और टेलिंग नहीं होता है बिकॉज इन सच केस दे द डीएनए मॉलिक्यूल इज लेस रिएक्टिव इन कंपैरिजन टू द एमआरएनए मॉलिक्यूल. ना इसके स्ट्रक्चर पे बेस है क्योंकि इन आरएनए मॉलिक्यूल देयर इज ए पेंटोज शुगर. पेंटोज शुगर में हियर इज 2 प्राइम ओएच हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंड 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल ग्रुप आल्सो प्रेजेंट इन द शुगर पेंटोज शुगर यहाँ पे. सो इन सच केस यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है 2 प्राइम पर तो ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप के पास लोन पेयर है. दीज लोन पेयर आर हाईली रिएक्टिव. हाईली रिएक्टिव है और इस केस में क्या होगा, हाईली रिएक्टिव होने की वजह से यहाँ पे क्या यहाँ पे ये 3 जो 2 प्राइम है 2 प्राइम एक्चुअली में अटैक 3 प्राइम होना चाहिए लेकिन 3 प्राइम की जगह 2 प्राइम जब अटैक कर 2 प्राइम ही अटैक कर देंगे तब क्या होगा, वो स्ट्रक्चर डिस्टॉर्टेड हो जाएगा और मे बी म्यूटेशन कॉज होने लग जाए. तो ये हाईली रिएक्टिव एंड को आपस में रिएक्शन से बचाने के लिए और सेफ करने के लिए एज सच इनके बीच में कोई रिएक्शन ना हो तो दोनों इंट की कैपिंग कर दी जाती है और टैलिंग की जाती है. तो कैपिंग के लिए एम मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट यह ऐड किया जाता है और टैलिंग में पॉलीएडीनाइलेशन दैट इज एडिशन ऑफ 200 एडिनी जोड़ दिए जाते हैं. अब नाउ यहाँ पे इलोंगेशन के बाद टर्मिनेशन प्रोसेस में क्या होगा, इलोंगेशन प्रोसेस में तो मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट जोड़ा गया. जैसे टर्मिनेशन इंड पे टर्मिनल इंड पे पहुँचेंगे तब क्या होगा, अब इनकी सिंथेसिस रोकनी है तो इस सिंथेसिस को रोकने के लिए यहाँ पे टैलिंग हो जाएगी. तो टैलिंग क्या है, एक तरीके का टर्मिनेशन प्रोसेस. टर्मिनेशन प्रोसेस अब नाउ इन सच
केस टर्मिनेशन के बाद टर्मिनेशन में टेलिंग की जा रही है। अब यहाँ पे ये सिंथेसिस इनहिबिट कर दी जाएगी, रोक दिया जाएगा। अब ये पूरा पूरी तरीके से न्यूक्लियस से साइटोसोल में भेजने के लिए रेडी है ये जेनेटिक मटेरियल। और एमआरएनए पे जेनेटिक मटेरियल को कोड कर दिया गया है। अब यहाँ से सिंथेसिस पर्टिकुलर जो भी प्रोटीन है उनको सिंथेसाइज किया जाता है, वेदर ये मोनोसिस्ट्रॉनिक हो या पॉलीसिस्ट्रॉनिक जीन हो। इन सच केस देर इज अ मोनोसिस्ट्रॉनिक जीन बट देर इज ऑल्सो अ सेगमेंट विच डज नॉट टेक पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। फॉर एग्जाम्पल अगर एक टाइम के ये यहाँ पे अब नाउ स्प्लाइसिंग की बारी है। स्प्लाइसिंग में हम समझ लेते हैं कि क्या होगा। देर इज इट इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोसेसिंग स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग प्रोसेस में क्या हो रहा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर एक सर्टेन एज के बाद ग्रोथ हार्मोन सिंथेसाइज नहीं करना है तब क्या होगा, तो ग्रोथ हार्मोन की सिंथेसिस नहीं करनी है इस सेगमेंट्स में। तो ग्रोथ हार्मोन के लिए जो कोड थे वो डीएनए पर, डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर डीएनए पर प्रेजेंट थे। अब जब कोड किए जाएंगे तो मे भी पॉसिबिलिटी है कि ग्रोथ हार्मोन के भी जो कोड है वो एमआरएनए पे आ जाए, लेकिन हमें एमआरएनए पर भी आ जाए, लेकिन हमें अब ग्रोथ हार्मोन सिंथेसाइज नहीं करना है तो क्या किया जाएगा। लेकिन हमें और प्रोटीन सिंथेसाइज करने हैं, जैसे कि उस इसके पास जितने भी प्रोटीन्स हैं, क्योंकि हर सेगमेंट रिस्पॉन्सिबल है अलग अलग प्रोटीन के लिए इन केस ऑफ यूकैरियोट्स। तो क्या होगा, इस एमआरएनए अब मैच्योर एमआरएनए से स्प्लाइसिंग का प्रोसेस होगा, और स्प्लाइसिंग के थ्रू पर्टिकुलर जो सेगमेंट जिस सेगमेंट से सिंथेसिस नहीं करना है उन्हें रिमूव कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे जो जिस सेगमेंट से सिंथेसाइज नहीं करना है उसे बोला जाता है इंट्रॉन एंड सेगमेंट विच टेक पार्ट इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन नोन एज एक्सॉन। सो देयर इज टू सेगमेंट इंट्रॉन और एक्सॉन, और इंट्रॉन से प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा, पार्टिसिपेट नहीं, दे आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, और एक्सॉन is responsible for the protein synthesis. So in splicing there is removal of intron segment of from the DNA from the mRNA. mRNA से intron को remove कर दिया जाएगा by the process of splicing. और splicing होगा और यहाँ पे finally mature mRNA synthesize कर दिया जाएगा। mature mRNA की synthesis कर दी जाएगी। अब mature mRNA से जब प्रोटीन सिंथेसाइज किया जाएगा तो यहाँ पे जो प्रोटीन हमें डिजायर्ड है वही प्रोटीन सिंथेसाइज होगा, अदरवाइज अदर प्रोटीन आर नॉट सिंथेसाइज फ्रॉम द एमआरएनए सेगमेंट, तो यहाँ पे नहीं बनेंगे ना। अब यहाँ पे जो प्री प्रोसेस है ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में ये कैसे हो रहा है, सबसे पहले क्विक रिविजन कर ले रहे हैं। द ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल डोगमा हाइपोथिस विच वॉज गिवन बाय फ्रांसिस क्रिक, डीएनए टेक पार्ट इन द सिंथेसिस ऑफ एमआरएनए और एमआरएनए विल बी सिंथेसाइज फ्रॉम द डीएनए मॉलिक्यूल। हियर इन दिस केस द डीएनए सिंथेसिस ऑफ एमआरएनए टेक प्लेस इन थ्री स्टेप्स, इनिशिएशन इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। इन द प्रोसेस ऑफ इनिशिएशन इन देयर इज ए आरएनए पॉलीमरेज सेकंड व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ एमआरएनए, एंड आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट इज रिस्पांसिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ आरएनए, एंड आरएनए पॉलीमरेज थर्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ टीआरएनए। तो यहाँ पे डिफरेंट प्रोटीन्स डिफरेंट एंजाइम्स पार्टिसिपेट करेंगे इन द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ आरएनए। सो इन ट्रांसक्रिप्शन हम इनिशिएशन इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन प्रोसेस एमआरएनए में डिस्कस करेंगे। इन देर इज अब डीएनए मॉलिक्यूल से कैसे एमआरएनए का फॉर्मेशन हो रहा है, तो डीएनए में थ्री सेगमेंट्स हैं, देर इज प्रमोटर देन स्ट्रक्चरल प्रोटीन एंड टर्मिनेटर। प्रमोटर पे क्या होगा, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड बाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ सिग्मा फैक्टर से बाइंड करेंगे। जैसे ही प्रमोटर मिल जाएगा द सिग्मा फैक्टर डिसोसिएट फ्रॉम द कोर एंजाइम से डिसोसिएट हो जाएंगे, देन कोर एंजाइम मूव अलोंग इन थ्री प्राइम ऑन द डीएनए मॉलिक्यूल इन द थ्री प्राइम टू फाइव प्राइम इन डायरेक्शन, बट द सिंथेसिस टेक्स प्लेस ओनली इन फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम इन डायरेक्शन। इन सच केस द डीएनए वन स्ट्रैंड इज एक्ट एज ए टेम्पलेट स्ट्रैंड विच टेक पार्ट इन द सिंथेसिस ऑफ एमआरएनए, एंड अनदर स्ट्रैंड टेक
represent as coding strand, because the coding of the DNA molecule same as the template, same as the RNA, mRNA, which are synthesized from the template strand. Now, in the elongation process, the सबसे पहले capping की जाएगी, that is GM methyl, जो methyl है guanosine triphosphate की capping की जाएगी, जिससे इसे जो capping जो 5' prime end है, इसे less reactive बनाया जाएगा. When the RNA polymerase reaches to the terminator point, फिर वहाँ पे tearing polyadenylation की जाएगी, जहाँ पे poly एडिनाइलेट या एडिनिन कई बार जोड़े जाएंगे अप्रॉक्सीमेटली 200 टाइम, देन फाइनली जो है एमआरएनए सिंथेसिस कर लिया जाएगा. फिर उसे लेस रिएक्टिव बनाने के लिए क्यों किया गया ऐसा, बिकॉज 2 प्राइम पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, इसी वजह से राइबोस न्यूक्लिक एसिड बोला जाता है. 2 प्राइम पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, सो दे आर हाईली रिएक्टिव इन कंपेरिजन टू डीएनए मॉलिक्यूल. इस लेस रिएक्टिव बनाने के लिए पॉली एडिनाइलेशन कर दिया जाता है, जिससे लेस रिएक्टिव हो जाए, और कैपिंग की जाती है, दोनों एंड को सिक्योर किया जाता है, जिससे एक पर्टिकुलर वो आपस में भी रिएक्ट नहीं करें और किसी और मॉलिक्यूल से भी रिएक्ट नहीं करें. अब नाउ स्प्लाइसिंग प्रोसेस में देयर इज अ 2 सेगमेंट, इंट्रॉन और एक्सॉन, बिकॉज इंट्रॉन में से किसी प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं होती है. दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैरेक्टर विच आर बिल्ड ऑलरेडी बिल्ड इन द ह्यूमन बॉडी, एंड एक्सॉन विच टेक प्लेस इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. बिकॉज प्रोटीन क्या है कि हमें जहाँ जहाँ नेसेसरी प्रोटीन है, हमारे बॉडी में बहुत सारे प्रोटीन है जहाँ जिसकी सिंथेसिस एक्चुअली अभी हो चुकी है, तो वो अब फॉर्म नहीं होंगे, तो वो उस प्रोटीन को क्या बोला जाएगा, वो इंट्रॉन्स प्रोटीन थी, तो अब उन्हें सिंथेसाइज नहीं करना है, बिकॉज अब हो चुका है जो सिंथेसाइज होना था, तो अब इंट्रॉन पार्ट को हटा दिया जाएगा बाय द प्रोसेस ऑफ स्प्लाइसिंग, और सिर्फ एक्सॉन पार्ट को रखा जाएगा, बिकॉज दे टेक पार्ट इन द प्रेजेंट प्रोटीन सिंथेसिस. तो अब नाउ मैच्योर एमआरएनए की सिंथेसिस हो गई है, अब इसे भेज दिया जाएगा फ्रॉम द न्यूक्लियस इनटू द साइटोसोल. अब साइटोसोल में ट्रांसलेशन प्रोसेस होगा, जहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस कैरी डाउन होगा. नाउ नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे.